साथियों, टैली में अब हम यूनिट्स में सिंपल और कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। सिंपल यूनिट्स की एंट्री तो आप पहले भी करते थे, जैसे कि नंबर्स में, पीसेस में, किलोग्राम में आप कोई प्रोडक्ट बेचते थे। लेकिन जब आप एक बड़ी क्वांटिटी में, मेजरमेंट यूनिट में एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको एक छोटी सी इकाई में बेचते हैं, तो उसकी एंट्री टैली पर कैसे होगी? फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट किलो में खरीदते हैं, किलोग्राम्स में, और उसको कस्टमर को आप ग्राम्स में बेचते हैं, तो ये एंट्री आप वाउचर पर कैसे करेंगे? क्योंकि आपको सिर्फ एक ही यूनिट मेंशन करना होता है प्रोडक्ट के लिए। तो आज हम इसी को समझेंगे, टैली में कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए पहले आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन यूनिट्स ऑफ मेजर दिखाई दे रहा है। साथियों, इस यूनिट्स ऑफ मेजर में हम जाएंगे और क्रिएट करेंगे। साथियों, मैं इसमें साथियों पहले केजी बना रहा हूं किलोग्राम के लिए, और फॉर्मल नेम किलोग्राम, इसके बाद एक्सेप्ट करा देता हूं इसे। अब दूसरी इकाई इसकी ग्राम्स होगी, जिसको हमने जीएमएस लिख दिया। ग्राम्स। अब साथियों, दोनों एक्सेप्ट हो गए। अब हमारे पास दोनों यूनिट है, एक किलोग्राम और एक ग्राम। दोनों को बनाने के बाद आप अभी यूनिट क्रिएशन पर ही हैं। इसमें आपको साथियों बैक स्पेस प्रेस करना है और यहां पर कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। अब एक बात को आप याद रखिएगा साथियों, कि जब आप कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बनाया गया कोई भी यूनिट आप भविष्य में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, अल्टर नहीं कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल, केजीज ऑफ 1000 ग्राम्स, उसी को हम ले लेते हैं केजी। और इस केजी को 1000 ग्राम्स में डाल देते हैं साथियों। तो साथियों, इस तरीके से आप कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें आप दर्जन, डोजन, 12 पीसेस, लीटर, मिलीलीटर की इकाई बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए किलोग्राम्स और ग्राम्स बनाया है। अब साथियों, वापस आप चाहें तो इसको सिंपल पर सेलेक्ट कर दीजिए और एस्केप करके पीछे आ सकते हैं। यूनिट तैयार है। अब साथियों, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसके अंदर आप इस यूनिट का, कंपाउंड यूनिट का प्रयोग कर पाएं। मैं स्टॉक आइटम में गया और मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। मैंने यहां पर स्टॉक आइटम साथियों चिली पाउडर ले लिया, लाल मिर्च प्राइमरी में रखा। अभी मैं और कोई चीज नहीं बना रहा हूं। आप बना सकते हैं इसको, स्पाइसेस में डाल सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी में ब्रांडिंग कर सकते हैं इसकी यूज। यूनिट में साथियों, अब आप पहले की तरह केजी या ग्राम्स नहीं देंगे, आपको कंपाउंड यूनिट देना है। साथियों, मैंने कंपाउंड यूनिट का प्रयोग किया और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। साथियों, डन। अब हम
वाउचर एंट्री पर आएंगे। पीछे आए हम गेटवे ऑफ टैली पर साथियों, और मैंने अकाउंटिंग वाउचर ले लिया है। वाउचर में पहले हम प्रोडक्ट किलोग्राम्स में परचेस कर लेते हैं और आगे उसको ग्राम्स में सेल कर देते हैं। मैंने यहाँ पर F9 परचेस वाउचर का प्रयोग किया। पार्टी का नाम मैंने कैश में रख दिया। और अब साथियों, मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम चिली पाउडर ले लिया है। इसको न्यू दिल्ली गोडाउंस में रखेंगे। क्वांटिटी इसकी 2 किलोग्राम है, यहाँ पर दिखा रहा है 2। यहाँ डैश का मतलब साथियों आप पॉइंट समझिएगा। और रेट मैंने इसका कर दिया, लाल मिर्च का रेट मुझे भी नहीं आइडिया है। मैं इसको 200 रुपये पर केजी कर देता हूँ। और यहाँ पर 400 रुपये हो गया है साथियों, एक्सेप्ट करा देते हैं। अब बारी आती है साथियों सेल्स करने की। F8 कैश में सेल कर रहे हैं। और अब साथियों आइटम को लेते हैं यहां पर चिली पाउडर न्यू दिल्ली गोडाउन से। क्वांटिटी एक कस्टमर को अगर 500 ग्राम लेना है साथियों, तो आपको 0.500 टाइप करना होगा, क्योंकि आपने 500 लिया तो वो ऑटोमेटिक 500 किलोग्राम हो जाता है। साथियों यहां पर 0. डैश का मतलब पॉइंट समझिए, 500.500 केजी इक्वल्स टू 500 ग्राम्स। रेट मैंने इसको दिया 300 रुपये पर केजी की सेल पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट इसका 150 रुपये आधे किलो का रेट 500 ग्राम्स का हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। साथियों आप चाहे तो यहाँ पर रेट चेंज भी कर सकते हैं और उसकी यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं। कस्टमर को वहाँ पर रेट 300 रुपये केजी दिखाई देगा, जिसको उसको खुद कैलकुलेट करना होगा। इसको आप उसके लिए आसान भी बना सकते हैं। आसानी इस तरीके की होगी कि यहाँ पर आप पर ग्राम्स का रेट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 30 पैसे प्रति ग्राम लिया। अब जिसके लिए साथियों आप नोटिस करेंगे, मैंने वहाँ 0.30 लिखा है, आप इसको 0.30, दोनों ही एक बात है, और यहाँ पर केजी की बजाय ग्राम्स कर दीजिए। और अब आप पाएंगे साथियों कि रेट जो है 150 रुपये हो गया, 30 पैसे प्रति ग्राम ये लेकर के चल रहा है। और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इससे पहले आप वाउचर प्रिंट कर सकते हैं Alt-P से, Alt-Z। अब आपने पाया साथियों कि आपका चिली पाउडर 0.500 केजी और यहाँ पर 30 पैसे प्रति ग्राम, 500 ग्राम का रेट 30 पैसे के हिसाब से 150 रुपये हो जाता है, मतलब 300 रुपये किलो हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप सिंपल और कंपाउंड की एंट्री कर सकते हैं। आप केजी में रेट दिखाएं, ग्राम्स में रेट दिखाएं, जैसा भी आपको सहूलियत लगे अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं साथियों। चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलिए।